विशाल दादा बताए कि नहीं हमको स्पेशल फाइनल डे चाहिए, तो चलिए चलेंगे मैच की तरफ, ज्यादा समय मत लीजिए। हमारे कई अतिथि मेहमान भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी का स्वागत है। ले चलेंगे आज का दिन का क्वार्टर फाइनल मैच की तरफ है। क्या पिछला मैच के जैसे ये भी क्या धाकड़ शुरुआत देखने को मिल चुका है यहाँ पर, देखिए बहुत बढ़िया। देखिए यहां से पहली गेंद के पर वन बाउंस आता हुआ चार रन। से पहला चौका आता हुआ, और कहते हैं ना जय सर की दोस्ती नजरों से हो तो उसे जन्नत कहते हैं, अगर शुरुआत चौके छक्के से तो उस खिलाड़ी को वीरेंद्र सहवाग कहते हैं। भाई पहला गेंद देखिए चौकी से दागे, और उसके बाद देखिए यहां से डॉट गेंद निकलता हुआ, और ये चीज आपको लगातार देखने को मिलेगा। यही तो क्रिकेट का पहचान है भाई, क्योंकि क्रिकेट में कोई खिलाड़ी छोटा नहीं रहता है भाई, हर खिलाड़ी अपने कद में अपने काबिलियत पे बड़ा। और ये देखिए मौका था, ओ एफर्ट लाजवाब आपका था, फील्डर की तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर हम, अगर कैच यहाँ ले लेते तो कैच ऑफ डे कहलाते यहाँ से, कैच छोटा है लेकिन देखते हैं कितना कीमत बना। यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि फील्डर कैच क्यों नहीं लिए, क्योंकि उतना डिफिकल्ट कैच था यहाँ से। बिकी थे फील्डर्स यहाँ पर, दोनों 12 खिलाड़ी करीब आई है, फैन की हवा बाद में खाई है। टीम संघर्ष कर रही है अंदर, क्योंकि 12 खिलाड़ी का रोल भी एक बहुत बड़ा रहता है, सबसे पहले ये 2 रन बचाते हैं टीम के लिए। और ये चलिए नजदीकी मामला हो सकता था, अच्छा थ्रो यहां से देखने को मिला था, राधे थे देखिए शॉर्ट मिड विकेट पर, क्योंकि इस विभाग में देखिए मैं इतना आया नहीं हूं। कासर रोडोली नाइट देखिए नरेश स्मृति चषक में इस साल थोड़ा सा इच्छा जाता है, इसलिए थोड़ा सा अगर 2-4 बार आया तो फिर मुझे 12 खिलाड़ी की भी ज्यादा जरूरत नहीं करती है। तो चलिए बैटर की बात करेंगे, राहुल देखिए बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए, बहुत बढ़िया। देखिए यहां से पनवेल से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, इतना मैचेस खेला जाता है, उसके बाद बदलापुर भिवंडी हर जगह देखिए डोंबोली, और टोटल की बात करेंगे टोटल देखिए यहाँ से 7 रन, बहुत अच्छा ओवर देखिए कहूंगा। पहला गेंद के पर चौका खाने के बाद ओवर को देखिए बांध कर रखे हैं, ओ कमाल का गेंद भाई लाजवाब डॉट गेंद निकलता हुआ, एक गेंद कम खेलनी होगी भाई, स्कोर देखिए जाकर पहुंचा 7 रन, क्या कमाल की गेंदबाजी भाई। देखिए पहला गेंद पर चौका लगा और उसके बाद देखिए 3 रन खर्च किए 5 गेंद के ऊपर, और मैच देखिए 3 ओवर का मैच है, जोखिम लेना होगा बैटर्स को यहाँ से, एक अच्छा टोटल तक पहुंचना है तो फिर अच्छा फाइट करना होगा, क्या वो काम कर पाएंगे यहाँ से। कभी भी देखिए कोई काम आसान नहीं होता है, रमेश और देखिए बात करेंगे यहां से राहुल की जोड़ी, बहुत बढ़िया। देखिए यहां से स्ट्राइक पर देखिए बैटर की बात करेंगे, और ये चलिए हवा में खेने 2 फील्डर के पीछे भाई, रमेश से देखिए बैटर बात करेंगे, हवा में गेंद कुछ समय था लेकिन मौका नहीं बना। जय सर कहती ना अगर शमशान में पान का टपरी हो तो खरीदने वाला कहां से हो, गेंद ऐसे जगह गिरा जहां पर कोई फील्डर नहीं थे, क्या प्रथा है। मैंडेटरी पावर प्ले कंप्लीट हो चुका है, 5 फील्डर बाहर हैं, और ये चलिए और एक सिंगल आता हुआ, सिंगल डबल से देखिए स्कोर तो आगे जाएगा लेकिन से एक अच्छा फाइटिंग टोटल। पिछला मैच देखिए भाई इतना बड़ा स्कोर होने के बावजूद बचाना मुश्किल हो गया था, इसलिए कहती है ना अगर ऊंट से दोस्ती करनी है ना दरवाजा ऊंचा करना होगा, अगर आपको अगर ये ट्रॉफी तक पहुंचना है तो सिल्वर कवर देखिए हम देख सकते हैं इस ट्रॉफी,
कहते ना रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जब चाहिए, यहाँ से दोनों टीम चाहेंगे हमें ट्रॉफी चाहिए। और ये मैच लगभग दिन का पूरा मेहनत, दो दो मैच जीते हैं लेकिन अभी तक देखिए कसी हुई गेंदबाजी। और यहाँ से देखिए सिंगल डबल से काम चलने वाला नहीं है भाई। स्कोर देखिए 11 रन बनाए। जय सर कहते ना घर की दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती है, खुद की पैरों पर घोड़े की नाल लगानी पड़ती है। स्लोअर गेंद और जाल में फंसा लिए भाई यहां से। ओ ये क्या हो गया भाई, क्या छूटा या मैच छूटा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा भाई, क्या छूटा या ट्रॉफी छूटा। चलिए जय श्री राम उत्तर टीम के कप्तान से गुजारिश करना चाहेंगे, अब तैयार रहिए, ये मैच के बाद टॉस किया जाएगा। नहीं वो टीम आ जाएंगे भाई। इनसाइड आउट, यहां से देखिए फील्डर से बन जाएंगे दर्शक। क्या टाइमिंग, क्या क्लास था यहां पर बल्लेबाजी की बात करेंगे। राहुल के बल्ले से देखिए लाजवाब इनसाइड आउट। इसलिए तो कहते हैं ना जिंदगी में अगर आपको केएल राहुल बनना है ना, देर रात तक चैटिंग करने से बेहतर शॉट सिलेक्शन पर फोकस कीजिए। और ये केएल राहुल का शॉट सिलेक्शन था, बहुत बढ़िया इनसाइड आउट देखिए यहां से। और स्कोर को देखिए कहां पहुंचा दिया, 18 रन। कहते हैं ना जिंदगी में कुछ पाना है ना, सिर्फ तरीका बदलो इरादा नहीं। और बैटर ने देखिए सिर्फ तरीका बदला है। और इसके बाद क्या फॉलो थ्रो में गेंद को रोके यहां से और एक रन कंप्लीट करते हुए स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 19 रन। दो ओवर का खेल समाप्त हुआ है लेकिन देखते हैं अभी भी एक ओवर का खेल बचा हुआ है। आखिरी 6 गेंद में और कितना रन जोड़ पाएंगे, अगर 35 तक भी पहुंच गए ना एक अच्छा टोटल माना जाएगा 3 ओवर में। अगर उससे ऊपर पहुंचे तो और बेहतर बात है, लेकिन 35 तक तो कम से कम पहुंचना जरूरी है। अगर 30 के अंदर यहां पर रोक लिए रॉयल मराठा, बात करेंगे वर्तक नगर टीम देखिए बात करेंगे, और उसके साथ साथ देखिए बात करेंगे काविश इलेवन से मुलुन टीम देखिए, कम से कम देखिए यहां पर 19 रन बनाए। अगर 30 के अंदर रोक लिए तो फिर अच्छी गेंदबाजी कर जाएगी। लाजवाब देखिए हमारे आयोजक पूरा एकदम से, हमारे जयेश दादा भूर देखिए लग नहीं रहे, इनके देखिए सुपुत्र देखिए 18 साल के लड़का है और ये यंग देखिए इतना दिखाई दे रहे हैं जवान, बहुत बढ़िया देखिए फिटनेस बनाए रखे हैं विशाल दादा देखिए आज भी। हाँ बहुत बढ़िया देखिए पूरा मैनेजमेंट कमेटी देखिए यहां से अच्छी देखिए इस टूर्नामेंट को शान सूरत से आगाज किए थे और आज अंजाम के समय आखिरी समय। अरे चलिए हवाई फायर, इस बार शायद छलांग तो लगाए थे लेकिन कहते हैं ना घर पे आई खुशियां दरवाजे से लौट जाना। देखते हैं अंपायर का डिसीजन क्या आता है, अंपायर का डिसीजन देखिए आता हुआ यहां पर 6 रन।
मन था लेकिन पास में कागज का नोट कम था, और सादब का छक्का लगाने का मन था लेकिन शॉर्ट सिलेक्शन में एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था। ये बात करेंगे, यहाँ पर मीठा खाने का मन था लेकिन पास में थोड़ा कागज का नोट कम था, और छक्का लगाने का मन था शॉर्ट सिलेक्शन में एलिवेशन कम था। चिल्लर के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, नोटों के लिए हाथ उठाना पड़ता है। न्यू बैटर्स इरफान उठ रहे हैं भाई, और गेंदबाज देखिए हैट्रिक के ऊपर है भाई। गेंदबाज बता रहे हैं चलती फिरती राई को, चलती फिरती राई को हम महताब दिखा देंगे, हमसे पंगा मत लो वरना तुम्हें पंजाब दिखा देंगे। लेकिन पंजाब तो देखना चाहेंगे लेकिन मुलुन नहीं देखना चाहेंगे भाई, चाहेंगे कि मैच जीतकर हम ट्रॉफी तक पहुंचे, सोच तो ये रहेगी दोनों टीम का। लेकिन अच्छी गेंदबाजी, व्हाइट का इजाफा देखिए, बिन पायल से बजी घुंघरू, पायल की झनकार सिर्फ दिल चुराएगी मैच नहीं, मैच चुराना है तो बल्ले से, हाँ बल्ले से धागना होगा, लेकिन इस बार भी फंस गए। हैट्रिक वाइट गेंद डाल दिए, ओवर हैट्रिक निश्चित रूप से हासिल कर लिए। और टेनिस क्रिकेट में पहला दूसरा भाई छोड़ दीजिए, पांचवा सातवां नंबर का बैटर भी मैच को फिनिश कर देता है। एक गेंद से है भाई, आखिरी गेंद और अंतिम गेंद में देखिए भाई, गिली 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 चंपा खुश हुई रंबा, गेंद गेंद लंबा ठुकम ठोक दीजिए। विकेट के छक्का आता हुआ, यही तो मैंने जिक्र किया था, आजकल कब्रिस्तान पर मुर्दों को छोड़िए जिंदों को भी दफनाया जाता है। और टेनिस क्रिकेट में पहला दूसरा छोड़ दीजिए भाई, आठवां दसवां नंबर का बैटर भी खड़ा गिली गिली, मैच बहुत बढ़िया फिनिश करता हुआ छक्के ने फाइटिंग टोटल तक पहुंचा दिया, 33 रन बनाए हैं जिसमें देखिए राहुल ने 15 रन का इनिंग्स खेले, उसके साथ रमेश की बात करेंगे उन्होंने 11 रन बनाए, लेकिन उसके बाद देखिए विकी चिंगो चिंगो एक वातावरण टाइट, एक छक्के ने एक फाइटिंग टोटल तक ले गया। रोहित गेंदबाजी की बात कर थोड़ी सी हम देख लेते हैं, गेंदबाज भी देखिए विकेट थे 14 रन 3 सफलता, राहुल बात करेंगे 7 रन कोई सफलता नहीं, और उसके बाद देखिए किरण की बात करेंगे 12 रन कोई सफलता नहीं, कुल टोटल की बात करेंगे 33 बनाए हैं, जीत के लिए 34 की जरूरत है। तो चलिए चलेंगे डीजी के पास, मौका है 34 का टारगेट है।
क्योंकि सेकेंड इनिंग की जब बात आती है ना, ज़्यादातर बॉल टू रन पहुंचना बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके बाद देखिए हम कॉल ज़्यादा नहीं करेंगे। पिछला मैच देखिए बल्लेबाजी में चलिए 33 रनों का इनिंग्स खेले थे राहुल पिछले मैच में। और यहां से देखिए जुगेश न्यू बैटर की बात करेंगे, यहां पर पहला ओपनर के रूप में दोनों बैटर उतरे हैं। और अगर ये टारगेट बचाने हैं भाई 34 का टारगेट, और यहां से एक रन आता हुआ। जय सर कहते हैं ना, सांप फन उठाने से पहले उसे कुचल दो तो बेहतर है, नहीं तो क्योंकि जो शुरुआत के बैटर रहते हैं ना, ये छोटे मोटे मामूली सांप नहीं रहते हैं, ये अजगर रहते हैं, ये डसते नहीं निगलते हैं। पिछला मैच आपने देखा एकदम से निगल दिया था मैच को, किस्मत का साथ मिला था वहां से। हाँ सांप बड़ा हो या छोटा लेकिन डसने का अंदाज वही रहता है, पप्पा। लेकिन शुरुआत के बैटर भाई वो घातक रहते हैं, वो मामूली सांप नहीं, वो अजगर रहते हैं भाई, दस्ते नहीं निकलते हैं। अब देखिए बात करेंगे, दो गेंद पर दो रन आया है। गेंदबाज तैयार यहां से रे, चलिए भाई बड़ा जोर तो बल्ला को घुमाई लेकिन संपर्क नहीं, एक रन आता हुआ। एक एक रनों से स्कोर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहते ना अगर पहचान बड़ी करनी है तो फिर संघर्ष बड़ा करना होगा। ये मैच देखिए, रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जब चाहिए, और दोनों टीम चाहते हैं यहां से चमचमाती हमें ट्रॉफी चाहिए। इस ट्रॉफी तक कौन पहुंचेगा भाई? अरे चलिए भाई बड़ा हिट, AK-47 छक्के की बात देखिए, अच्छा वापसी राहुल। देखिए पिछला मैच में भी बढ़िया इनिंग्स खेला था, और इस बार भी राहुल बता रहे जय सर कि मेरे रास्ते पे बिछा हुआ बारूद को देख लेना। ओ खूबसूरत कलाई चलाते हुए राहुल अपना बल्लेबाजी से बता रहा है भाई, मेरे रास्ते पे बिछा हुआ बारूद को देख लेना, और मुझे गेंदबाजी करने से पहले गुरु मेरा पिछला मैच का जरा हाईलाइट देख लेना। पिछले मैच में जो 33 रनों का इनिंग्स खेले थे शायद उसे दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया, असीन जी बता रहे हैं 10 रन तक पहुंचा है, लेकिन अभी भी देखिए 24 की जरूरत है, आने वाला 12 गेंद बचा है यहां से। चलिए स्पीड अप कीजिए जयेश दादा, निश्चित रूप से शाम का अंधेरे से पहले हमें फाइनल मैच कंप्लीट करना पड़ेगा, ये धूप जाने से पहले। आपने देखा होगा कोई मिल गया पिक्चर जिसमें जादू ने क्या कहा था, धूप धूप, ये धूप से पहले हमें मैच कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि धूप कंप्लीट तो फिर अंधेरा छा जाएगा। गेंदबाज देखिए विकी आते हुए, और 12 गेंद 24 की जरूरत है, 12 चेंडू 24 धावा की गरज आए। एकदम से देखिए रोमांचक स्थिति में मैच है भाई, लेकिन जो बल्लेबाजी यहां पर दिखाए ना भाई राहुल और जुगेश, कहते हैं ना अगर तालाब से छोटी छोटी मछली पकड़नी है ना तो सबसे पहले मगरमच्छ को बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी मत लीजिए। जब तक ये बैटर रहेंगे आपकी सांसें रोकते रहेंगे। और एक देखिए बड़ा हिट, तुन्ना तुन्ना, अरे गेंद कहाँ गया मुन्ना सरकार, गेंद गया भाईंदर पड़ा 6 रन।
का नोट ना हो लेकिन दिल में आंधी होना चाहिए और वही काम बैटर्स करते हुए, थकना मना है ये। चलिए भाई छक्का दागे और उसके बाद सिंगल। और यहां पर बैटर देखिए राहुल ने बता दिया भाई कि मुझे बंदूक भी चलाना आता है डिश्का, 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 डिश्का। और गिटार भी बजाना आता है, छक्के भी दागे और सिंगल डबल भी। ये साझेदारी थोड़ा सा घातक साबित होता हुआ, इसे कहते हैं जय और बीरू की जोड़ी गेंदबाज की कमर तोड़ी, कमर तोड़ बल्लेबाजी। फाइनल में देखिए बात करेंगे जय बजरंग घुसाई बॉटिंग के लिए, ये भाई ये गेंद थोड़ा कम खेलना होगा क्योंकि समीकरण देखिए जाकर पहुंच चुका है। अब देखिए 9 गेंद 17 की जरूरत है, पान का जुल्पे बना शराब पीना छोड़ दे, चौके लगा छक्के लगा डॉट गेंद खेलना छोड़ दे भाई। डॉट गेंद कोरोना वायरस के जैसे मारता है कम डराता है ज्यादा, उस डर से देखिए ऑफर विकेट मिलता हुआ यहाँ पर देर से आया लेकिन देखते हैं कितना दुरुस्त आता हुआ। क्योंकि अब समीकरण की बात करेंगे तो यहां से 8 गेंद 17 की जरूरत है, अतः रंगाता रंगाता ताला। क्या चलिया जय सर, जैसे एकनाथ माली सर का वो सॉन्ग है अतरंगा तारंगा ताला मैच, या फील्डर ने या फील्डर ने या फील्डर ने घेतला वागाची कैच। तो चलिए अब रंग में मैच आया है भाई, क्योंकि अभी समीकरण की बात करेंगे ना 8 गेंद 17 की जरूरत है और किसके लिए बनेगा ये खतरा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा भाई। क्योंकि अब दुकान में ताला लगने वाला है क्योंकि ये मैच एकदम से सनसनी हालत में बनने लगा है भाई। न्यू बैटर्स हर्ष देखिए यहां से, ओ हर्ष को निभाना होगा फर्ज क्योंकि हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए, जहां पर रनों की जरूरत है। 7 गेंद अब 17 की जरूरत है, यहां से देखिए राहुल बात करने जा रहे हैं हर्ष को बता रहे हैं के जहाज की ऊंचाई को मत देखिए सिर्फ कबूतर उड़ाने के काम कीजिए, क्योंकि जिस 7 गेंद अब 17 की जरूरत है। कहां डाल दिए गेंद भाई व्हाइट का चापा, अब 16 की जरूरत है। जिस टाइटैनिक जहाज को भी गुमान था कि कोई उसे डुबा नहीं सकता और पहला यात्रा में डूब गई थी, जब एक छोटा सा छेद बड़ी सी जहाज को डुबा सकता है फिर एक छोटी छोटी गलती आपको भी मैच से निकाल सकता है। अब 7-16 समीकरण, इस बार भी देखिए ये देखिए छोटी छोटी गलती, यही गुमान थी टाइटैनिक जहाज को कि कोई उसे डुबा नहीं सकता है लेकिन पहला यात्रा में डूब गया था। अब देखिए यहां से 7 गेंद 15 की जरूरत है, हर्ष क्या निभाएंगे यहां से अपना फर्ज, और एक वाइट का इजाफा। बैटर्स यहाँ पर कुछ करने की उन्हें ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ रही है, अब बैटर तो यही कहते रहेंगे गेंदबाज को थैंक्स भाई आपने 3 वाइट गेट डाल दिए लगभग मेरी दबाव निकाल दिए भाई। 7 गेंद 14 की जरूरत है, यहाँ पर गेंदबाज खुद अपने पैर के ऊपर कुराड़ी मार रहे हैं। गेंदबाज विकी देखिए 3 वाइट गेंद के बाद देखिए यहां से एक सिंगल आता हुआ दूसरे के लिए एस्नो एस्नो, और यहां पर देखिए स्ट्राइक के लिए शायद यहां पर राहुल ने ये जाल बिछाया। आपने तो वो पिक्चर देखा होगा भाई गुज्जर का, गुज्जर को पकड़ने के लिए चंदनपुर में क्या लगा है, कौन सी लोमड़ियों का इस्तेमाल किया गया था, मेला। और यहां से देखिए हर्ष का इस्तेमाल किया राहुल ने, चलिए अब 6 गेंद बचाए सिरम उत्तन टिंड की बात करेंगे, इन्हें बहुत कल हो चुका है अभी तक ना रिपोर्टिंग,
क्योंकि सेमीफाइनल का मैच खेलना है। अब समीकरण की बात करेंगे भाई, 6-13 की जरूरत है भाई, 6-13 ऐसा मुकाबला कौन भूल सकता है। बहुत साल पहले देखिए, हमने जो 5 वनडे मुकाबला देखे थे महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, जहां ऑस्ट्रेलिया दौरा किए थे, लगातार जैसे 4 मैच हार चुके थे वनडे, और जो आखिरी मैच में सुरेश रैना अनफिट थे, उनके जगह मनीष पांडे को खिलाया गया था। अंतिम ओवर में 13 की जरूरत थी, महेंद्र सिंह धोनी छक्के लगाकर आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद मनीष पांडे ने उस मैच को फिनिश किया था, चौका लगाकर 102 रनों का इनिंग्स था उनका वहां पर, और उस इनिंग ने उन्हें हिंदुस्तान टीम में लंबा समय मौका दिया था। तो यहां हुई 6-13, सुबह भी जिंदा है, शाम भी जिंदा है, और दिल्ली कहता है कि मैच अभी जिंदा है जब तक मैदान पर देखिए राहुल जिंदा है भाई। राहुल के बल्ले से देखिए आता हुआ एक कड़क चौका, पन्ना डालो मेरी चेहरे पर, मेरी आदत है मुस्कुराने की, मुस्कुराने की, मुस्कुराने की, मुस्कुराने की, मुस्कुराने की, मुस्कुरा। समीकरण देखिए अपनाओं की जरूरत है, गेंद बचाए हैं 5, और इसके बाद देखिए हवा में गेंद है, क्या बड़ा विकेट हो सकता है यहां पर, ओ चिंगो चिंगो, यहां पर गार्डन में फूल खिलने से पहले बकरी खा गई, क्योंकि ट्रॉफी तक पहुंचने से पहले सपना टूट गया। यही वो कैच था जो आपको खुली आंखों से सपना दिखा सकता था, कैच भी छूटा, 2 रन भी गया। अब देखिए समीकरण रह गया भाई, 4 गेंद 7 की जरूरत है, ये एक मौका था भाई, नए बैटर के लिए आसान नहीं रहता था। और राहुल क्या इनिंग्स खेलते हुए भाई, पिछला मैच भी और ये मुकाबला भी देखिए भाई। उसके बाद अपील, लांग लांग लांग, गेंदबाज ने अपील नहीं किया, इसका मतलब गेंद पूरी विकेट पर नहीं था शायद, शायद लेग स्टंप को छोड़ता हुआ या ऑफ स्टंप को छोड़ता हुआ, क्योंकि गेंदबाज से ज्यादा प्रभावित होते हैं अंपायर यहां पर। बाकी के देखिए फील्डर ने बड़ा तेज अपील की। अब समीकरण देखिए, 3 गेंद 7 की जरूरत है, 1 रन लेंगे क्या, दूसरे के लिए जाएंगे यहां से, भाग धन्नो, बसंती का इज्जत का सवाल है, और दूसरा रन भाग कर कंप्लीट किए, नाखुश है देखिए, भाग धन्नो, बसंती का इज्जत का सवाल है। अब 2 गेंद 5 की जरूरत है, कितने नाखुश देखे अपने साथी खिलाड़ी, जानते हैं राहुल को स्ट्राइक देना खतरों का घंटी, और यही तो क्रिकेट है भाई, क्या बढ़िया मुकाबला बनते जा रहे हैं। गेंद बची है देखिए 2, और जीत के लिए चाहिए 5, जहां पर कंपलसरी देखिए यहां से चेसिंग, और राहुल बता रहे हैं भाई हमें डुबाने की कोशिश मत करो, हमें तैरना भी आता है, हमें डुबाने की कोशिश मत करो, हमें तैरना भी आता है। और यहां से देखते हैं फिर क्या भागेंगे तेजी के लिए, और ये चलिए दबाव 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 दबाव, अब रन रह गई देखिए 3, और गेंद बचा है 1, अब 2 भाग कर भी लेते हैं तो बनेगा नहीं, अब तो ये सर में कफन बांधेंगे भाई, क्या बढ़िया देखिए यहां से, क्या राहुल यहां से मैच को फिनिश कर पाएंगे, क्या गेंदबाज बात करेंगे चंदन यहां पर अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे, चंदन तो चाहेंगे भाई आसमान से लाकर चांद तेरे हाथों में थमा दूं, लेकिन राहुल चाहेंगे भाई छक्का लगाकर अपनी टीम को जीत दिला दूं या चौका लगाकर, दोनों टीम का सोच यही रहेगा भाई, लेकिन इस मैच कौन फिनिश करेगा भाई, लेकिन जब तक राहुल है खतरों की घंटी है भाई, यहां 3 रन तो भागना मैं कहूंगा थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन फील्डर के ऊपर बहुत दबाव रहेगा। जय सर जैसे कि इतना स्टेशन पर जब ट्रेन आती है ना तो स्टेशन कांपती है, और राहुल जब जब स्ट्राइक में आते हैं तो फील्डर भी कांपते हैं। 1 गेंद 3, क्या मैच देखिए यहां से बनाए भाई,
ये मैच कांटों का हो चुका है, दर्शकों की धड़कने बुलेट ट्रेन धक धक। ये देखिए राहुल ने बता दिया भाई, आलू ही आलू नहीं हम टमाटर का चटनी भी खाएंगे। रोहित विराट छोड़िए भाई, एमएस धोनी के जैसे मैच को फिनिश।